हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएलएस एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूस एनालिसिस। पार्ट वन है और कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्टरी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। ओवरव्यू। From polar bases to the tropics and from the largest developed nations to small and less developed countries, चाहे वो polar areas हों, चाहे वो tropical areas हों, चाहे developed nations हों या फिर less developed countries हों, हर जगह पे soft drinks and fruit juice are available in bottles, cans, laminated paper packs, pouches, cups and almost every other form of packaging known। जो soft drink होते हैं, fruit juice होते हैं, ये हर जगह पे मौजूद हैं, चाहे वो polar area हो, चाहे tropical area हो, चाहे developed nation हो या undeveloped nation हो, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे soft drink and fruit juices। अब ये bottles में भी हो सकते हैं, cans के form में मिल सकते हैं, laminated paper packs हो सकते हैं, pouch में pack मिल सकते हैं। जैसे आप सभी ने फ्रूटी पी होगी, कैसे होते हैं, पेपर पैक्स होते हैं, पाउचेस के फॉर्म में रहते हैं, कप हो सकते हैं। और इसके अलावा भी पैकेजिंग का अदर कोई भी फॉर्म अगर मौजूद है तो उस फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होते क्या हैं। स्वीटेंड वाटर बेस्ड बीवरेजेस। स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं और ये वाटर बेस्ड बिवरेजेस होते हैं क्योंकि इसमें पानी जो हो, पानी का एडिशन होता है। यूजुअली विद अ बैलेंसिंग एसिडिटी। इसमें एसिडिटी भी होती है लेकिन वो बैलेंसिंग होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एक बैलेंस्ड लेवल पे एसिडिक चीज़ों को इसमें ऐड किया जाता है। दे आर फ्लेवर्ड बाई द यूज ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल्स। अगर इनकी बात करें फ्लेवरिंग की, तो इनका जो फ्लेवर होता है वो नेचुरल या आर्टिफिशियल किसी भी मटेरियल के एडिशन के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ आर फ्रिक्वेंटली कलर्ड। ज़्यादातर ये कलर्ड फॉर्मेट में होते हैं। कोई भी आप जूस देखिए, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक देखिए, आपको कलर्ड मिलेगी उसमें। नॉर्मली जो फ्रूट का फ्लेवर होगा, जो ड्रिंक बनाने वाला मैटर का फ्लेवर होगा, जो कलर होगा वो आपको देखने को नहीं मिलता है, एक अलग ही कलर उसको दे दिया जाता है। एंड ऑफन कंटेन एन अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस। अब इसमें फ्रूट जूस की भी मात्रा प्रेजेंट होती है। जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं, अभी हम जूस की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्दो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इनमें कुछ अमाउंट फ्रूट जूस का प्रेजेंट हो सकता है, फ्रूट पल्प हो सकता है और अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कुछ अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे आप सभी ने फैंटा ज़रूर पिया होगा, एक फ्लेवर है सॉफ्ट ड्रिंक का। क्या होता है उसमें, देखिए ऑरेंज का आप जूस निकालिए और फैंटा पीजिए, क्या दोनों का कलर सेम आता है? नहीं, जो थोड़ा सा फैंटा का कलर होता है वो इंटेंस होता है। इसके अलावा वो एग्जैक्ट जूस तो होता नहीं है, उसमें काफ़ी फ्लेवर और कलरिंग मटेरियल ऐड किए जाते हैं, कुछ अमाउंट में फ्रूट जूस भी उसमें प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के दो बेसिक टाइप्स होते हैं, द सो कॉल्ड रेडी टू ड्रिंक, जो तुरंत ही पीने के लिए तैयार होती हैं एंड दैट डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। और इन ड्रिंक्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है और ऐसा देखा गया है, देखा क्या गया, ऐसा है ही कि ये डोमिनेटिंग है क्योंकि हर कोई चाहता है, जो ड्रिंक रेडी है एकदम से जाता है, पाउच खरीदा, बॉटल खरीदी, पी लिया, काम हो गया। तो रेडी टू ड्रिंक इसीलिए डोमिनेटिंग है वर्ल्ड में। एंड द कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट टू टेस्ट प्रोडक्ट दैट आर स्टिल इम्पॉर्टेंट इन सम मार्केट। और दूसरे टाइप के होते हैं, या तो कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट टू टेस्ट। इसमें आते हैं सिरप्स एंड सो कॉल्ड स्क्वैशेस एंड कॉर्डियल्स।
अब हम देखने जा रहे हैं रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट के बारे में. दिस सेक्टर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन. सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस सेक्टर में आता है, दैट इज रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट्स में, एंड इज डिवाइडेड इनटू प्रोडक्ट्स दैट आर कार्बोनेटेड. ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है जो कि कार्बोनेटेड होते हैं, दैट इज दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बोनेटेड का मतलब ही हो गया कि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बॉटल जब उसको ओपन करते हैं उसमें से एकदम से गैस निकलती है बहुत ही तेज़ी से, आपकी कोल्ड ड्रिंक ऊपर की तरफ जाने लगती है, फैल जाती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बॉटल है, बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. जैसे ही आप बॉटल खोलते हैं वो बाहर की तरफ भागती है, और इसी वजह से आपका जो ड्रिंक है वो भी बाहर की तरफ भागता है. और इसके अलावा दूसरे ऐसे भी होते हैं जिनमें कि ये ऐड नहीं होता, कार्बोनेटेड नहीं होते हैं. नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दैट रिले ऑन केमिकल प्रिजर्वेशन. जो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं ये केमिकल प्रिजर्वेशन पे रिले करते हैं, और हॉट पैक इन पैक पाश्चराइजेशन या फिर हॉट पैक पे या पैक पाश्चराइजेशन में ये डिपेंड करते हैं. ऑफन सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम. इनके साथ में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं जो नॉन कार्बोनेटेड होते हैं, इंक्लूडिंग रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ फ्लेवर एंड कलर. अगर इनमें CO2 ऐड नहीं की जाती है तो इनका रैपिड डिटेरियोरेशन देखा जाता है कि ये बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगते हैं. इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट अलग सा हो जाता है और कलर भी डिटेरियोरेट हो जाता है. नेक्स्ट टाइप के हैं कंसनट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स. कंसनट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि कंसनट्रेटेड थे, इनका बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे. एंड इन द अर्ली ईयर्स फॉलोइंग द कॉन्फ्लिक्ट मेनी वर बेस्ड ऑन कंसनट्रेटेड ऑरेंज जूस. ज़्यादातर ये जो कंसनट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ये ऑरेंज जूस की कंसनट्रेशन पे बेस्ड होते हैं. विच वॉज वाइडली अवेलेबल एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम. और उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो ये ऑरेंजेस तो प्रेजेंट ही थे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह, तो उस टाइम पे इससे बहुत ज़्यादा जूस बनाए गए, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाए गए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका बहुत यूज़ हुआ. पैक्ड इन फ्लैट वॉल्ड मेडिसिनल बॉटल. और इनको मेडिसिन बॉटल्स में पैक किया गया था उस टाइम पे, क्योंकि उसको मेडिसिन की तरह ही यूज़ किया जा रहा था. अब आता है लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन इज हाउएवर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव. अगर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो लेजिस्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड किंगडम द सॉफ्ट ड्रिंक रेगुलेशन 1964 एज अमेंडेड कोडिफाइड द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द वे इन विच द इंडस्ट्री वॉज देन ऑर्गेनाइज. कुछ इस तरीके से कोडिफाइड किए गए जो प्रोडक्ट थे, इस वे में किए गए जिसमें कि इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड सेट इन टू लॉ डेफिनीशंस नॉट ओनली टू सॉफ्ट ड्रिंक्स बट ऑल्सो ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप. और इस तरीके से इनको लॉ डेफिनीशंस में सेट किया गया कि ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही नहीं थे, लेकिन ये और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के टाइप में बने, जैसे कि क्रशर्स, स्क्वैसेस एंड कॉडियल्स. एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जब ये बुक लिखी जा रही थी, द रेलिवेंट यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस दैट इज EU 1169/2011 रिक्वायर्ड दैट अ फूड विच इंक्लूड्स फ्रूट जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक मस्ट बी लेवल्ड. अगर कोई फूड ऐसा है जिसमें कि सॉफ्ट ड्रिंक या किसी भी फ्रूट जूस को ऐड किया गया है तो ये चीज़ लेबल पे रिटन फॉर्म में होनी चाहिए.
एंड दैट लेबल मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ ही जो लेबल है उस लेबल पर कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि द नेम ऑफ द फूड, फूड का नेम क्या है, द लिस्ट ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स, किन किन चीज़ों को उस फूड को बनाने में मिक्स किया गया है, कौन कौन सी इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ किया गया है, और नंबर थ्री है एनी इन्ग्रीडियंट और प्रोसेसिंग एड लिस्टेड इन एनेक्स सेकेंड एक रेगुलेशन है जिसमें कि सारी लिस्टिंग होती है, जो भी प्रोसेसिंग एड होते हैं, जो भी इन्ग्रीडियंट्स होते हैं इनकी लिस्टिंग होती है, और डेराइव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट लिस्टेड इन एनेक्स सेकेंड, या फिर वो डायरेक्टली वही प्रोडक्ट होते हैं या जो प्रोडक्ट बनाए गए वहाँ पे लिस्टेड हैं उनका कोई ना कोई प्रोडक्ट होते हैं। कॉजिंग एलर्जीज और इनटॉलरेंस, और ये करते क्या हैं, या तो एलर्जी कॉज करते हैं या इनटॉलरेंस कॉज करते हैं, दैट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ द फूड। अब इन चीज़ों का यूज़ क्या कहाँ किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर में या फूड प्रिपरेशन में, एंड इज स्टिल प्रेजेंट इन द फिनिश्ड फूड इवन इफ इन एन अल्टर्ड फॉर्म। अगर कोई भी इस तरीके का इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, लाइन बहुत बड़ी हो गई, उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, तो मैं समझाती हूँ कि अगर प्रोसेसिंग के टाइम पे किसी भी फूड को बना रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई ऐसी चीज़ को यूज़ किया गया है जो कि थोड़ी सी हानिकारक है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, एनवायरमेंट के लिए, एलर्जी टॉलरेंस जैसी चीज़ों को अगर वो कॉज करती है, तो अगर उसको यूज़ किया गया है तो ये लेवल पे मेंशन होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के दौरान या प्रोडक्ट प्रिपरेशन के दौरान उसको यूज़ किया गया है और अभी तक वो फूड में प्रेजेंट है, या भले ही उसकी अल्टर्ड फॉर्म में हो, उसका रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन भले ही वो अब थोड़ी हानिकारक रह गई हो, हानिकारक ना हो, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन लेवल पे होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आता है द क्वांटिटी ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स और कैटेगरीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड किए गए हैं उनकी क्वांटिटी क्या है और किस कैटेगरी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो। नेक्स्ट आता है द नेट क्वांटिटी ऑफ फूड, जो फूड बनके रेडी हुआ है सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद में उसकी नेट क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट द डेट ऑफ मिनिमम ड्यूरेबिलिटी, मिनिमम ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितने समय तक वो प्रोडक्ट एज सच सेफ रह सकता है, और द यूज़ बाय डेट या फिर किस समय तक उसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनी स्पेशल स्टोरेज कंडीशन, जो प्रोडक्ट है उसको किन कंडीशंस पे स्टोर करके रखना है, कोई स्पेशल कंडीशंस हैं या फिर किस तरीके से यूज़ करना है, कंडीशंस ऑफ यूज़, ये सारी ही चीज़ें मेंशन होनी चाहिए लेबल पे। नेक्स्ट आता है द नेम और बिजनेस नेम, जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है उसका नेम या फिर जो उसका बिजनेस है उसका नेम होना चाहिए, इसके साथ ही जो फूड बिजनेस है उसका एड्रेस भी लेबल पे मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द कंट्री ऑफ ओरिजिन, किस जगह पे उस प्रोडक्ट की ओरिजिन हुई है, और प्लेस ऑफ प्रोविनेंस, किस जगह पे प्रोविनेंस हुआ है प्रोडक्ट का, वे आर प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 26, ये एक आर्टिकल है जिसमें कि ये इंफॉर्मेशन कैसे दी जानी है इस चीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करना है इसके इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, वेयर इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेक यूज़ ऑफ फूड विदाउट सच इंफॉर्मेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि जो फूड है उसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। इसलिए आप देखते हैं ज़्यादातर जो पैकेजिंग होती है सब पे किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है ये उस पे मेंशन होता है। नेक्स्ट है इन बिवरेजेस कंटेनिंग मोर देन 1.2% ऑफ एल्कोहल, अगर किसी भी बिवरेज में एल्कोहल की मात्रा 1.2% से ज़्यादा है तो द एक्चुअल एल्कोहलिक स्ट्रेंथ बाई वॉल्यूम, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उससे अगर 1.2% से ज़्यादा है
तो ये इन्फॉर्मेशन भी उस प्रोडक्ट पे होनी चाहिए, और साथ ही न्यूट्रिशनल डिक्लेरेशन, कितना न्यूट्रिशन उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, इसका प्रॉपर डिक्लेरेशन वहाँ पे होना चाहिए। प्रोडक्ट टाइप सबसे पहले देखेंगे कि रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट में किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। हिस्टोरिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स वर रेफ्रेशिंग बिवरेजेस, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको एज अ रिफ्रेशिंग बिवरेज यूज़ किया जाता है। अक्सर होता है आप देखिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एकदम से रिफ्रेश हो जाते हैं, इसलिए इनको रिफ्रेशिंग बिवरेजेस बोला जाता है। दैट कॉपीड और एक्सटेंडेड फ्रूट जूस, या तो इन्होंने फ्रूट जूस की कॉपी की है या फिर ये एक्सटेंडेड फ्रूट जूस ही होते हैं। फ्रूट जूसेस टिपिकली हैव अराउंड 10-12% नेचुरली अकरिंग शुगर, जो फ्रूट जूस होते हैं लगभग इनमें 10-12% नेचुरल शुगर होती है। मोस्टली विद अ प्लीजेंट बैलेंसिंग एसिडिटी, एक प्लीजेंट बैलेंसिंग एसिडिटी होती है, ये नहीं कम और ज़्यादा एसिडिटी हो गई, एकदम बैलेंस्ड लेवल होता है। दैट वेरीज फ्रॉम अबाउट 1% डाउन टू 0.1%, और ये जो एसिडिटी होती है ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, जहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत है जहाँ पे कम की ज़रूरत है, और ये लगभग 1% से लेके 0.1% तक हो सकती है। आप देख सकते हैं इसकी लिमिट कितनी लिमिटेड रखी गई है कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट जा सकती है, इससे ज़्यादा अगर एसिडिटी होती है तो ये हार्मफुल हो सकती है। रेडी टू ड्रिंक बीवरेजेस आर मोस्टली कार्बोनेटेड, ये जो बीवरेजेस होते हैं ये ज़्यादातर कार्बोनेटेड होते हैं, लेट इज इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करके रखा जाता है। दिस एज वेल एज गिविंग सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देता है। प्रोवाइड्स सम एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, कुछ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है ये जो कार्बोनेटेड जो सॉल्यूशन जो उसको किया जा रहा है ड्रिंक को, तो उसका रीज़न ही यही होता है कि ये सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देता है, जिससे कि प्रोडक्ट इजिली डिटेरियोरेट ना हो, उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। ज़्यादातर स्पेशली अगेंस्ट ईस्ट एंड मोल्ड, ज़्यादातर ये ईस्ट और मोल्ड के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है गुड हाइजीन स्टैंडर्ड्स, हाइजीन स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए। सो गुड हाइजीन स्टैंडर्ड्स आर द नॉर्म इन द मोस्ट सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग ऑपरेशंस। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग ऑपरेशन का मतलब जब उनकी पैकिंग कर रहे होते हैं, जब बॉटल्स में सॉफ्ट ड्रिंक को पैक किया जा रहा होता है, उस टाइम पे गुड हाइजीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाना ज़रूरी होता है। अच्छे हाइजीन स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो नहीं किया गया है तो पैकिंग के टाइम पे उसमें कंटेमिनेशन आने की संभावना रहती है। एंड इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स विदाउट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, अगर अच्छे हाइजीन स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया गया है तो बहुत पॉसिबल है कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनको बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के बनाया जा सके, क्योंकि अगर अच्छा हाइजीन मेंटेन है तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस कम होंगे, और अगर कंटेमिनेशन कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय फ्लैश पास्चराइजिंग दिस सिरप बिफोर इट इज़ मिक्स्ड विद कार्बोनेटेड वाटर, रेडी टू ड्रिंक बिवरेजेस आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन नॉन कार्बोनेटेड फॉर्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोनेटेड ही होते हैं रेडी टू ड्रिंक बिवरेजेस, ये नॉन कार्बोनेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, दैट इज़ इनमें CO2 का एडिशन नहीं होता है, CO2 प्रेजेंट नहीं होती है। द मोस्ट पॉपुलर करंट फॉर्म ऑफ दीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एसेप्टिक कार्ड फॉइल लैमिनेट पैक्स सच एज टेट्रापैक और कॉम्बी ब्लॉक, कुछ एसेप्टिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ फॉइल लैमिनेटेड पैक्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि टेट्रापैक।
These drinks are typically unpreserved. अब ये जो नॉन कार्बोनेटेड होते हैं, हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम कर रहा था, माइक्रोब से बचा रहा था, बहुत सारे काम कर रहा था। तो जब वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ये ड्रिंक तो अनप्रिजर्व्ड हो जाएगी। एंड इनकम इन वॉल्यूम ऑफ 200 to 330 ml, इसी वॉल्यूम रेंज में ये ड्रिंक्स देखी जाती हैं। बहुत ज़्यादा लेवल पे नॉन कार्बोनेटेड फॉर्म्स की रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस नहीं देखे जाते। An alternative form of non-carbonated beverage come in form filled sealed plastic containers. एक alternative form इसका देखा जाता है non-carbonated beverages का, और ये filled sealed plastic containers में देखे जाते हैं, which are typically square or round section cups. या तो square form में इनके packing होती है या फिर ये round section के cup होते हैं। विद अ फॉइल और प्लास्टिक लैमिनेटेड लिड, अब या तो इस पर फॉइल होती है या फिर प्लास्टिक लैमिनेटेड एक लिड लगी हुई होती है। सच प्रोडक्ट्स आर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस टू अ क्वालिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये एक क्वालिटी को प्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी होती है। एंड दैट विल सेटिस्फैक्टरली कम्पीट विद द सेल्फ लाइफ ऑफ एसेप्टिक फॉइल और लैमिनेट पैक्स। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये ऐसी क्वालिटी को नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं जो कि जो प्रोडक्ट है जो सॉफ्ट ड्रिंक बन के रेडी हुई है उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा पाएँ, जो एसेप्टिक फॉइल या जो लैमिनेट पैक है उससे कोई भी हार्म ना होने दें। सम मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट एट अ ड्रिंकिंग स्ट्रेंथ, बट दिस इज वेस्टफुल ऑफ प्लांट एंड रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन टैंक। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जो कि ड्रिंकिंग स्ट्रेंथ पे बनाते हैं रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट को, लेकिन ये इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट्स का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और इनको लार्ज वॉल्यूम भी चाहिए होता है, जो प्रोडक्शन टैंक हैं उनके लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम भी चाहिए होता है। द यूजुअल अप्रोच इज टू मैन्युफैक्चर अ सिरप और कंसनट्रेटेड फॉर्म of the beverage which is then diluted with water and carbonated as required. जो usual approach manufacture के लिए use की जाती है, कोई भी syrup या फिर कोई भी concentrated form बनाया जा रहा है अगर beverages का, तो उसको क्या किया जाता है, पहले उसको water के साथ में dilute किया जाता है और उसके बाद में जैसे ज़रूरत होती है उस तरीके से उसको carbonated किया जाता है। नेक्स्ट आता है डाइल्यूटेबल्स। एज इंडिकेटेड इन सेक्शन, सम मार्केट्स आर सब्सटेंशियल कंज्यूमर्स ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। अभी हम पढ़ भी चुके हैं कुछ ऐसी मार्केट्स होती हैं जो कि जो सब्सटेंशियल कंज्यूमर होती हैं कंसंट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक की। दीज प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म बाय द कंज्यूमर। अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही कंज्यूमर्स के द्वारा खरीद लिया जाता है। हु देन एड्स वाटर, उसके बाद में ये कंसंट्रेटेड फॉर्म जो होती है, जो कंज्यूमर है जिसने ख़रीदा है उसने इसमें वाटर को ऐड किया, विच कैन बी कार्बोनेटेड इफ़ रिक्वायर्ड, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको फिर कार्बोनेटेड भी किया जाता है टू अचीव द डिज़ायर्ड टेस्ट, ताकि उसका डिज़ायर्ड टेस्ट जो टेस्ट चाहिए है उस टेस्ट को पाया जा सके। मोस्ट कंसनट्रेटेड बिवरेजेस कंटेन फ्रूट जूस और होल फ्रूट। जो कंसनट्रेटेड बिवरेजेस होते हैं उनमें या तो फ्रूट जूस हो सकता है या पूरा फ्रूट ही प्रेजेंट हो सकता है। अ टर्म दैट रिफर्स टू अ कम्युनिटेड फॉर्म ऑफ सिट्रस दैट इंक्लूड कंपोनेंट्स ऑफ जूस, एसेंशियल ऑयल, पील एंड पिथ। होल फ्रूट एक ऐसा टर्म है जिसके लिए उसमें सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जूस है, एसेंशियल ऑयल है, पील है, पिथ है, इन सारी चीज़ों को होल फ्रूट में इंक्लूड कर लिया जाता है। होल फ्रूट का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता कि आम लिया और पूरा का पूरा ऐसे ही आम वहाँ पे डाल दिया। होल फ्रूट का मतलब इसका जूस निकाल लिया, इस एसेंशियल जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको पूरी तरीके से निकाल के मिक्स कर दिया गया।
कंसेंट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर यूजली फ्लैश पाश्चराइज्ड एंड केमिकली प्रिजर्व। इनका फ्लैश पाश्चराइजेशन होता है और केमिकली इनको प्रिजर्व किया जाता है वेयर परमिटेड। देयर डाइल्यूटेबल फॉर्म मीन्स दैट दे आर ऑफन हेल्ड इन पार्शली फिल्ड बॉटल्स। डाइल्यूटेबल फॉर्म का मतलब होता है कि उनको पार्शली फिल्ड बॉटल में फिल किया जाता है फॉर सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम। जितना समय उनको दिया जाता है, जितने समय तक वो सुरक्षित रह सकते हैं, उतने समय के लिए उनको पार्शली फिल्ड बॉटल्स में भर के रख दिया जाता है और इसी को डाइल्यूटेबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल ट्रेंड्स। प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर इन रीसेंट ईयर हैज बीन टुवर्ड्स द यूज ऑफ नॉन कैलोरिफिक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेंड है अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर में, तो वो है नॉन कैलोरिफिक आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ सबसे ज़्यादा अमाउंट पे किया जा रहा है सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं, बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनको नॉन कैलोरिफिक, उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर की ड्रिंक मिल जाए। तो इसमें भी ट्रेंड्स चल ही रहे हैं, कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो ही रहा है। The best known of these is saccharin. Saccharin एक artificial sugar है, was used in soft drinks during and after the Second World War. इसका use soft drinks में सबसे ज़्यादा किया गया था Second World War के दौरान, और Second World War के बाद में भी saccharin का बड़े पैमाने पर use किया गया when sugar was in short supply. और इसका use तब किया गया था जब sugar की shortage हो गई थी, short supply में थे sugars, तब सैक्रीन का काफी बड़े लेवल पे यूज किया गया था। ऑलमोस्ट ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नाउ अवेलेबल इन लो कैलोरी डाइट और लाइट फॉर्मुलेशन। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ज्यादातर लो कैलोरी डाइट या फिर लाइट फॉर्मुलेशंस में प्रेजेंट हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत हो चुका है और ज्यादातर ड्रिंक्स को इस तरीके से डेवलप कर लिया गया है। These products have a low energy content. ये product ऐसे होते हैं जिनमें कि low energy का content पाया जाता है and may be cheaper to manufacturer. और ये manufacturer के लिए cheaper भी हो सकते हैं than the corresponding sugar containing product. Sugar containing products होते हैं वो थोड़े costly होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, और जो low energy content होते हैं ये manufacturer के लिए थोड़े से cheap product हो जाते हैं। The issue of sugar consumption and its potential contribution to obesity and diabetes is increasing under scrutiny. जो sugar consumption है, इसका जो issue है और इसका कितना contribution होता है obesity में और diabetes में, इसकी scrutiny लगातार जारी है, इस पर development लगातार हो रहे हैं, continuously research चल रही हैं और चीज़ों को खोजा जा रहा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट पर विजिट करके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS Academy को, और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा आप हमारे ऐप ITLS Academy को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इजीली ITLS Academy को एक्सेस कर पाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ITLS Academy. And if you are having any doubt, if you are having any query, then feel free to contact on our helpline number 7080833450. So thank you very much again. Thank you for watching this session. Thank you for connecting with ITLS Academy. Thank you.